हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रोहित। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। अभी बजा है 7:15, इवनिंग का टाइम है और मैं अभी निकल रही हूँ कोई शॉप में आप लोगों के साथ बहुत अच्छा चीज, एक बहुत अच्छा सुपर कलेक्शन शेयर करना है। तो आज ही मुझे वो फोन की थी कि दीदी आना, थोड़ा सा कलेक्शन दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, कलेक्शन देख के आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आके पहुंच गई हूँ वृंदावती ज्वेलर्स में। देखिए, और यहाँ पे मुझे फर्स्ट दिखा जगन्नाथ जी का एक सुंदर सा स्टैच्यू, जय जगन्नाथ। ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो स्टार्ट करते हैं जगन्नाथ जी का नाम लेके आज का गोल्ड कलेक्शन। तो देखिए, फर्स्ट मैं आ गई देखने के लिए बैंगल्स का, जो कि है पोला वाला, जो वाइट एंड रेड पोला में होता है ना गोल्ड के ऊपर, वही वाला कुछ डिज़ाइंस। तो आप लोग देखिए, आप लोग हमेशा बोलते हो कि आप प्राइस के साथ दिखाओ, पर ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ वहाँ पे भीड़ रहता है शॉप में एक तो, और दूसरा क्या होता है, आप मैं अगर उसका वेट के हिसाब से उन लोगों को बोलूँगी कि आप अपना रेट बोलो, आप फिर जब जाओगे तो रेट चेंज होगा, तो फिर चेंज तो होता ही रहता है ना गोल्ड का, तो फिर वो डिफर करेगा, तो बोलोगे कि दीदी तो बोली थी ऐसे और निकला ये। इसीलिए तो ये सब देख लीजिए आप लोग डिज़ाइंस, अगर डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो आप जाके देख सकते। हाँ, कुछ का मैं ग्राम्स दिखा दूँगी, कौन सा कितना ग्राम है वो दिखा दूँगी। और ये वो वाला चूड़ी है जिसके ऊपर लेमिनेशन रहता है, ये वाला चूड़ी बहुत लोग ले रहे हैं ऑफिस यूज़ के लिए। और ये चौड़ा वाला सांखा डिज़ाइन है, ये वाला भी एक चौड़ा वाला ही है, रेगुलर यूज़ वाला भी है, आपको जो अच्छा लगे आप अपने हिसाब से। मुझे तो ये वाला एक बहुत अच्छा लग रहा था जो स्टोन लगा था, तो बस मैं कुछ डिज़ाइंस, ये मरून कलर के ऊपर है, ग्रीन कलर भी है, और ये ज़्यादा वेट नहीं रहता, ये सब 2-3 ग्राम्स के अंदर, जो चौड़ा वाला रहता है वो थोड़ा ज़्यादा ग्राम रहता है, बाकी सब सस्ता ही रहता है। और ये वो लेमिनेटेड चूड़ी सब है जो कि आजकल बहुत फैशनेबल है, मतलब इसके अंदर गोल्ड का एक पतला सा धागा रहता है बस, और ऊपर ये तो गोल्ड का लुक भी आता है और रेगुलर यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, ख़राब भी नहीं होता सालों साल तक, ये बहुत चल रहा है अभी। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कुछ, ये देखिए वृंदावती ज्वेलर्स का यहाँ पे पूरा लिखा है उनका एड्रेस, और ये है कुछ फिंगर रिंग्स जो कि बहुत ही सुंदर थे, लाइट वेटेड थे एंड बहुत ही प्रिटी लग रहे थे। आप चाहो तो खुद पहन सकते हो, अगर किसी को गिफ्ट करना है तो ये कर सकते हो। आजकल के जो जनरेशन है वो ज़्यादा हैवी चीज़ पसंद नहीं करते, ऐसे ही लाइट वेटेड चीज़ एंड थोड़ा सा सुंदर होना चाहिए उस, और जो कि थोड़ा सा स्मार्ट भी लगे उसी टाइप का है ये रिंग सब, है ना, आपको लग रहा है ना। अगर अच्छा लग रहा है तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जाइए, मतलब 2.5 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम उसी के अंदर ही है ये सब, और बहुत ही स्ट्रांग है भाई। देखिए हाथ में कितना प्रिटी लग रहा है, मैं उन्हीं के ही एक स्टाफ को बोली हाथ में लगा के दिखाओ, तो वो दिखाई तो बहुत ही प्रिटी लग रहा था, लग रहा है ना। तो आइए देखते हैं, और कुछ कॉमन डिज़ाइंस हैं और कुछ बहुत ही प्रिटी डिज़ाइंस हैं, क्योंकि सब लोगों को उस टाइप का रिंग तो अच्छा नहीं लगता ना, कुछ लोगों को थोड़ा सा बड़ा चौड़ा टाइप का अच्छा लगता है, और कुछ तो फिंगर रिंग होते हैं जो कि हमें चाहिए ही चाहिए शादी के टाइम पर, जो बड़ा दिखे, हाथ भरा भरा दिखे उसी टाइप का, जैसे ये वाला साइड में एक है ना, ये वाला दिखे प्रिटी सा रेगुलर यूज़ वाला, ये वाला जो शादी वादी में पहनने से सुंदर दिखता है ये वाला सब, किसी को गिफ्ट भी देने से इसी टाइप का रिंग सब अच्छा लगता है। ये सब भी आपको 2 ग्राम्स, देखिए यहाँ पे ग्राम्स लिखा गया, मिल जाएगा। ये वाला एक बटरफ्लाई बहुत ही क्यूट लग रहा था, ये पूरा स्टोन के ऊपर है, ये डायमंड नहीं है लेकिन बहुत अच्छा स्टोन है, डायमंड वाला भी रिंग है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये वाला देखिए, ये सब रेगुलर यूज़ जो हम लोग गिफ्ट देने, गिफ्ट पर्पस में यूज़ कर सकते हैं, ये सब भी कर सकते हो, अगर उनको अच्छा लगे तो उसके हिसाब से आप दे सकते हो। यहाँ पे मॉम लिखा था हार्ट के अंदर, बहुत ही क्यूट लग रहा था। ये सब रिंग भी हाथ में बहुत भरा भरा दिखता है, ये एक बहुत स्मार्ट पीस लग रहा था मुझे, मैं पहनी थी भी अच्छा दिख रहा था। ये वाला देखिए बहुत ही सुंदर वाला डिज़ाइन, मतलब कोई डिज़ाइन ऐसा नहीं है जो आपको अच्छा ना लगे। ये वाला एक देखिए मस्त पूरा हार्ट शेप में स्मार्ट पीस है बहुत, और इतना सुंदर लग रहा था ना ये वाला भी स्टोन में, मतलब कोई आपको अच्छा नहीं लगेगा ऐसा नहीं है भाई, सारा का सारा ही अच्छा है, तो पर हमें अपने चॉइस के हिसाब से लाना है।
लेडीज थिंग तो देख लिए, चलिए जेंट्स लोगों का भी देख लेते हैं, क्योंकि बॉयज लोगों को भी तो गिफ्ट देना रहता है। बॉयज लोग भी तो रिंग पहनते हैं, देखो कितना सुंदर सुंदर रिंग है, सब लाइट वेटेड है। मतलब आप जो गिफ्ट पर्पस में लेना चाहो तो ले सकते हो, अपना खुद का भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, उसके हिसाब से भी बहुत सारा रिंग अवेलेबल है, बड़ा बड़ा रिंग भी है। आप देख लो डिज़ाइन सब कैसा लग रहा है। तो चलिए अभी और कुछ मैं दिखाती हूँ, देखिए ये वाला देखिए मस्त लग रहा है ना, स्मार्ट लग रहा है। और ये वाला भी 3-4 ग्राम उसके अंदर आपको मस्त मस्त फिंगर रिंग सब मिल जाएगा। और भी मैं कुछ रिंग दिखाती हूँ, पहले रिंग का कलेक्शन देख लेते हैं। पहले मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, ये वाला ब्लॉग 2-2 ब्लॉग में आएगा, फर्स्ट कुछ कलेक्शन, सेकंड में और भी बहुत सारा कलेक्शन, अलग अलग डिज़ाइन दिखने के लिए मिलेंगे। तो ये देखिए बॉयज़ लोगों का फिंगर रिंग का कलेक्शन कितना सुंदर दिख रहा है। इन लोगों को भी हाथ में थोड़ा सा डाल के दिखा देती हूँ भाई आप लोगों को, देखिए बॉयज़ लोगों का इतना सुंदर लग रहा था। ये सारा का सारा कास्टिंग रिंग है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शाइन कर रहा था। आप ऐसे भी देखोगे तो पीछे तरफ से भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है कि पतला वतला है, बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छा है। मतलब आप खुद भी यूज़ करो, गिफ्ट करने के लिए भी यूज़ करो तो मस्त दिखेगा। आइए कुछ पेंडेंट देखते हैं, बहुत ही सुंदर वाला मैं पास से दिखा देती हूँ आपको। ये ओम के ऊपर है, तो जो लोग जिन लोगों को अच्छा लगता है ओम पहनने के लिए वो पहन सकते हैं, जिन लोगों को भगवान जी का कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो इस टाइप के पेंडेंट ले सकते हो, बहुत ही स्मार्ट वाला पेंडेंट। प्लांट एंड वो पिकॉक देखिए, दो है प्लांट, एक है एक लीफ के ऊपर मोटिव के ऊपर, एक फ्लावर मोटिव के ऊपर। ये सब हम रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, ये सब भी कास्टिंग के ऊपर है, बहुत ही प्यारा वाला। और गन्नू बाबा को देखो, इतने क्यूट क्यूट गन्नू बाबा हैं, मस्त दिख रहे हैं, सारा ही बहुत सुंदर लग रहे हैं। मतलब आप वेट के हिसाब से लेना, ऐसा नहीं है, आप अपने रेंज के हिसाब से ले सकते हो। ये वाला मोटिव मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सब हम पहन सकते हैं चेन में, छोटा चेन में, खुद पहनो, अपनी बेटियों को पहनाओ, किसी को भी पहनाओ, अच्छा लगेगा। पिकॉक वाला देखिए, दो डिज़ाइंस हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई और जाना, ब्लॉग लास्ट तक देखो, आपको एड्रेस फ़ोन नंबर सब मिल जाएगा। आइए दिखाती हूँ कुछ मंगलसूत्र का पेंडेंट। आपको अगर कोई मंगलसूत्र का पेंडेंट अच्छा लग रहा है तो आप कस्टमाइज़ करके भी ले सकते हैं यहाँ से। आप चाहो तो गोल्ड का चेन भी ले सकते हो, या फिर नॉर्मल चेन भी मिलता है, वो भी मैं दिखा दूँगी, जो कि आप ऐसे ही डाल के पहन सकते हो, नॉर्मल वाला, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आता वो, वो रेगुलर यूज़ भी कर सकते हो। ये वाला एक बहुत अच्छा लग रहा था, जो रहता है ना पहनते, बहुत स्मार्ट दिखता है, साउथ का जो पैटर्न। तो ये वाला देखिए कुछ कलेक्शन, और भी बहुत सारा कलेक्शन है, चलिए दिखा देती हूँ, सुंदर सुंदर। तो ऐसे करके भी आप ले सकते हो, शादी वादी के टाइम पे अगर किसी को गिफ्ट देना है या फिर दुल्हन खुद पहनना चाहे तो ये पेंडेंट सब डाल के आप आराम से चेन डाल सकते हो। मंगलसूत्र का ब्लैक वाला मिल जाएगा। तो आपको कलेक्शन कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, अगर अच्छा लग रहा है लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। ये एक मैं दिखा देती हूँ, देखिए कितना सुंदर सा पेंडेंट है, और उस पर ये नॉर्मल वाला एक मंगलसूत्र का चेन लगा हुआ है। ऐसे भी लेके आप गिफ्ट दे सकते हो किसी को, बहुत अच्छा दिखता है। और ये वाला चेन आप बाद में चेंज कर सकते हो, ये पेंडेंट भी बहुत ही स्मार्ट लग रहा है। ये पेंडेंट सब 3-4 ग्राम्स के अंदर मिल जाता है, 2 ग्राम्स के अंदर भी मिल जाता है। और ये कुछ पेंडेंट है जो कि आप गिफ्ट पर्पज़ में ले सकते हो ना, बच्चे लोगों को जो देते हैं हम लोग, किसी भी उनके बर्थडे में हो गया, किसी भी टाइम पे आप दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आइए मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ आज का गोल्ड का प्राइस। तो ये देखिए यहाँ पे डेट लिखा गया है 12 तारीख, यानी कि 12 तारीख का वीडियो है ये वाला, और उस दिन था गोल्ड का प्राइस 73,900, जो कि 24 कैरेट गोल्ड था। 22 कैरेट का दाम था 65,900, 18 कैरेट का दाम था 58,900, और सिल्वर का 830। सबसे पहली बात, जब भी गोल्ड शॉप में जाओ पहले गोल्ड का रेट पूछो, क्योंकि सब गोल्ड शॉप का प्राइस अलग अलग रहता है। उसके बाद देखो मेकिंग चार्ज, वो बात की बात है, पहले आप गोल्ड का प्राइस पूछो, क्योंकि वो भी डिफ़र कर रहा है। भी मैं तो अपने हिसाब से आपको बता देती हूँ, क्योंकि 1,000-1,500 इतना भी डिफ़र करता है। और यहाँ पर दिया गया है वृंदावती का एड्रेस, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, तो वहाँ पे जाइए, ढेर सारा शॉपिंग कीजिए और ब्लॉग में कमेंट कीजिए आपको वहाँ का कलेक्शन कैसा लगा। इसका नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।